सो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 10/27 मल्टीप्लाई 36/15। यहाँ पे 10 और 15 रिड्यूस हो रहे हैं, सो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 27 एंड 36 ऑल्सो रिड्यूस, सो 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36। इसके बाद और कोई नंबर हमारा नहीं कट रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3। जो नंबर न्यूमिनेटर में है वो ऊपर और जो डिनोमिनेटर में है वो नीचे, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, सो आवर आंसर इज 8/9। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज -15/32/25/48। इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड ही करना है, सो -15/32 बाय के प्लेस पे डिवीजन का साइन डालेंगे, 25/48। नेक्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, -15/32। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और नेक्स्ट टर्म जो हमारी होगी वो हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, हो जाएगी 48/25। नाउ रिड्यूस इट, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे 8 के टेबल से मैंने इसे काटा है, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48। अगेन वी रिड्यूस इट, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। आप इसे डायरेक्टली किसी एक नंबर से भी कट कर सकते हो, दैट इज 16 से भी, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। हमारा आंसर आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे 15 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10 और एक साइन हमारा माइनस का, तो हमारा आंसर हो जाता है -9/10। और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1। जब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है, मतलब अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आए, तो उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ईच इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पी बाई क्यू हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यू बाय पी। यहाँ पे पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी नंबर का ही रेसिप्रोकल, जो कि क्यू अपॉन पी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, बिकॉज पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 1। जब हम एक नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे इसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज 3/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू अपॉन थ्री का क्या हो जाएगा, 3/2। अब इसे अगर हम चेक करते हैं तो अगर हम 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, 2 को 2 से अगर हम कट करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, सो द आंसर इज 1। सो वी कैन से दैट 2/3 एंड 3/2 बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।